आप मुसलसल 8 साल से वज़ीर आला सिंध हैं, हो सकता है कि आप सैयद कायम अली शाह का 9 साल रिकॉर्ड भी तोड़ दें। आपके ख्याल में आपका वो सबसे नुमाया काम कौन सा है जो याद रखा जाए? मैं पहले डेवलपमेंट साइड पे आता हूँ, तो जो थर के मंसूबे हैं वो तो चीफ मिनिस्टर होने से पहले कायम अली शाह साहब के साथ काम करते हुए हमने शुरुआत की थी। सदर जरदारी साहब की उसमें बड़ी गाइडेंस थी, लेकिन मैं पहले दिन से और आज तक थर कोल एंड एनर्जी बोर्ड का मेंबर और फिर चेयरमैन एज चीफ मिनिस्टर रहा हूँ। और थर के कोयले की दरियाफ्त और उसकी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल रहा है, और ये एक ऐसी चीज़ है जिससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवर सकता है और इंशाल्लाह ताला संवरेगा। थर कोल से जो बिजली बनती है उसकी पर यूनिट प्राइस कितनी है? इस वक्त थर कोल की जो बिजली है वो सबसे, वो करता क्या है, जब CPPA जो हमारी सेंट्रल पावर परचेज एजेंसी है वो हर पावर प्लांट से बिजली खरीदती है जितनी रिक्वायरमेंट होती है। आपको पता है आजकल जो हुआ है कि हमारी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो वो उन्हीं प्लांट्स को बिजली उनसे ख़रीदते हैं जो उनको सबसे सस्ता पड़ता है। तो थर के प्लांट्स इस वक्त टॉप जो मेरिट ऑर्डर में 1, 2, 3, 4, 5 सारे थर के प्लांट हैं। और अगर आप बताएं पूछेंगे तो उसमें जो एनर्जी कॉस्ट है वो 5 रुपये से 6 रुपये के दरमियान पर यूनिट आ रही है। कितनी बिजली बना रहे हैं थर के यूनिट्स कोल से? 2600 मेगावाट इस वक्त, बल्कि 3000 मेगावाट, इसलिए कि हम कराची में भी लकी को कुछ ब्लेंडिंग के लिए और कुछ और जगह पे ब्लेंडिंग के लिए देते हैं, लेकिन 2640 मेगावाट के प्लांट्स थर के अंदर हैं जो बिजली पैदा कर रहे हैं और नेशनल ग्रिड को दे रहे हैं। तो आपने जैसे कहा कि डेवलपमेंट की साइड पर वो कॉन्सेप्ट एज अ कॉन्सेप्ट के आगे जो बढ़ा सकते हैं और जिससे पूरे मुल्क को फ़ायदा हो सकता है, वो हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट, उसका एक्ट मंजूर करना। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी मैं एज सूबाई फाइनेंस मिनिस्टर और फिर चीफ मिनिस्टर बड़ा क्लोजली एसोसिएटेड रहा हूँ और हर स्टेप पे उसके साथ उसमें काम किया है। फिर अगर आप मुझे कहें कि इमरजेंसी के वक्त सबसे मेरा ख्याल है फ्लैगशिप प्रोजेक्ट हमारा जो हम तकरीबन 21 लाख घर बना के दे रहे हैं, ये इतना बड़ा मंसूबा है कि आज तक दुनिया में इससे पहले सबसे बड़ा घर बनाने का मंसूबा नेपाल में अर्थक्वेक में था, 8 लाख घर बनाए थे, हम 21 लाख घर बना रहे हैं। और इसकी जो टोटल आबादी जो हम सर्व कर रहे हैं सुहेल साहब, 21 लाख घरों के लिए घर बना रहे हैं, अगर आप 4 आदमियों का भी एक ख़ानदान कर लें तो ये तकरीबन 80 लाख के करीब लोगों के लिए हम घर बना रहे हैं। दुनिया में 150 से ज़्यादा मुल्क ऐसे हैं जिनकी आबादी 80 लाख से कम है, तो अगर आप इसको अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये एक मुल्क होता तो हमसे 150 मुल्क हमसे छोटे होते, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये। शाह साहब, ज़िंदगी एक तजर्बे का नाम है, जब आप उस तजर्बे से गुज़रते हैं तो गलतियां भी होती हैं। इस सारे टेन्योर में सबसे बड़ी गलती या कोताही या खामी वो समझते हैं क्या रही? असल में बड़ा मुश्किल सवाल इसलिए है कि इसमें अपनी गलती किसी वजह से, किसी मजबूरी से किसी और को बताना होगा कि जी इसकी वजह से मेरा ख्याल है कि ये फैसला करना पड़ा, तो मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसी बात करूँ, लेकिन मैं जनरली बता रहा हूँ कि और कंस्ट्रेंट्स की वजह से हम वो काम नहीं कर सकें जो करना चाहिए था। कराची पूरे सिंध का आईना है, सब लोगों को ये शिकायत है कि कराची पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उतनी तवज्जो नहीं दी जिसकी वजह से कराची बहुत पसमानदा रह गया। ये परसेप्शन जो अनफॉर्चुनेटली एक डेवलप हो गया है, मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें हकीकत है। ये मैं नहीं कह रहा कि हमने कोई कराची को बदल दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, कराची को ख़राब करने में और बहुत से लोग शामिल रहे हैं जो जिन्होंने काम किया। मैं एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, आज से 2020 के सैलाब की बात है, जब कराची में बहुत बरसातें हुई थी, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है हमारा और सेंट्रल और वेस्ट के समझे बॉर्डर बनता है, यूसुफ गोट के नाम से एक इलाका है, उधर मैं गया
और वो पूरा डूबा हुआ था, बड़ी मेहनत की। अब तो उसको बहुत बेहतर कर दिया हमने, उसकी ड्रेनेज वगैरह के इंतज़ाम किया। वहाँ से वापस आ रहा था, मैं पैदा कराची में हुआ हूँ, पला बढ़ा इधर हूँ, लेकिन वो इलाका मैंने नहीं देखा था पहले, कराची इतना पहला हुआ। मैंने वो रोड देखा जो 1970 80 90 की दिहाइयों में बने होंगे, उसके बाद भी डेवलपमेंट हुई है। एक रोड था जिसके दो लेन्स एक तरफ थी, दो लेन दूसरी तरफ थी, बीच में आइलैंड था, साथ में दोनों तरफ स्टॉर्म वाटर ड्रेन थी और फिर सर्विस रोड थी, और ये कोई 10-11 किलोमीटर की रोड थी। उस पूरी रोड पे आपकी सर्विस रोड इनक्रोच थी, नालों के ऊपर दुकानें बना के अलॉट की हुई थी, और जो मीडियम था सेंट्रल उस पर भी कब्जे थे। अब ये पीपल्स पार्टी ने नहीं किए थे, या पीपल्स पार्टी की हुकूमत में नहीं हुए। कराची की जिन्होंने भी ओनरशिप ली है उन्होंने ओवर पीरियड, और अभी रिसेंटली ओनरशिप कराची शहर की जो इसकी मेयरशिप है या जो आपकी कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, वो हमारे पास यानी पीपल्स पार्टी के पास 1.5 साल हुआ है कि आई है। ये पहले जो सारा कुछ हुआ है कराची के अंदर, किसी चीज़ को बनाना जो है वो आसान होता है, एक बिगाड़ी हुई चीज़ को दुरुस्त करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जो बिगाड़ आया हुआ था उसको बड़ी मुश्किल से ठीक कर रहे हैं। अच्छा, फिर क्या आप समझते हैं कि अब आपका मेयर भी है, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है, कराची कब तक बदल जाएगा? हमने कराची के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल इस साल जो हमारी बजट है 200 अरब रुपये से ऊपर खर्च होगा कराची में इंशाल्लाह ताला। हम इस वक्त हर शोबे में, पानी के शोबे में हमारा जो K4 का और फिर हब डैम से पानी आना है उसके मंसूबे चल रहे हैं, उसके अलावा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए और उस पानी को इस्तेमाल करके इंडस्ट्री के लिए यूज़ करने के लिए हमारे ट्रीटमेंट प्लांट्स के मंसूबे हैं, वो चल रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के एरिया में हमने शुरुआत की है बहुत सालों से, पब्लिक सेक्टर में, इवन प्राइवेट सेक्टर में नई ट्रांसपोर्ट नहीं आई थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो हम लेके आई है हुकूमत सिंध। फिर कराची के अंदर हमने स्पोर्ट्स ग्राउंड जो आपकी लोगों के मिल बैठने की जो नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम से, इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम से हमने शुरू किए, वो भी आपको कुछ दिखाएंगे आज जो चीज़ें बनाई हैं। तो फ़र्क बहुत आया है, परसेप्शन अभी तक हम चेंज नहीं कर सके। लाहौर के मुकाबले में खूबसूरत नहीं है ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह सकते हैं। लाहौर मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ओनरशिप हमें अभी मिली है कराची की।